शेर व सुहत की है, मोहब्बतों के नाम है, वतन अजीज से आए हुए इंसान की दास्तान है, जिसने पाकिस्तान से निकल कर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आप जहां जहां गए, जिन लोगों को सराइकी से वाकिफियत है, जो सराइकी नहीं समझते, वो भी आपको दीवाना बाद चाहते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बतों का यह सिलसिला पिछले 50 वर्षों से है। अल्लाह पाक इनकी लंबी उम्र करे, क्योंकि ये पाकिस्तान का सरमाया है। फन गायकी एक ऐसा कमाल है, एक ऐसी सदा है, एक ऐसा सबक है, जिसे आप बहुत कुछ न कहते हुए भी चंद शब्दों में आप बयान कर देते हैं। हमारी संस्कार की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि उन्होंने जब जब भी अपने सुरों को छेड़ा है, वो पूरे पाकिस्तान में उसकी आवाज गई है। ऐसा नहीं कि वो किसी एक खित्ते में, किसी एक जुबान में उसे अपनाया हो। कराची से लेकर खैबर तक हर इंसान ने उन्हें चाहा, मोहब्बत दी, और आज भी मोहब्बत करते हैं। गायक होना एक और बात है, और एक अच्छा इंसान होना और बात है। मेरी खुशकिस्मती है कि पिछले कई सालों से मेरी इनसे मुलाकात है। मैं जब भी मिलता हूँ उन्हें बहुत आजिज पाता हूँ। मैंने उनसे अक्सर यह सवाल किया है कि आप ये बताएं कि इतने बड़े फनकार में इतनी आजिज़ी कैसे है, तो आपने हमेशा एक बात कही कि ये मेरी माँ की तरबियत है। तो माएँ सलामत रहें जहाँ रहें, क्योंकि वही बच्चों को अच्छी तरबियत देती है। मुज़फ़्फ़रुद्दीन हज़रत, जब हम अपने सरदिल अजीज कलाकार को आपके सामने पेश करें, तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि आप अपने नशिस्तों से खड़े हो जाइएगा और तालियों की गूंज में उन्हें ये पैगाम दीजिएगा कि हम आपसे बेतहा मोहब्बत करते हैं। मुज़फ़्फ़रुद्दीन हज़रत, मैं आवाज दे रहा हूँ, आप अपने नशिस्तों से खड़े हो जाइए और अपने अरदिल अजीज कलाकार को खुश आमदीद कीजिए। हमारे और आपके लाला जी अताउल्लाह खान ईसा खैरवी।